वेलकम टू माय क्लास चैनल हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें स्टेटमेंट क्या है फाइंडिंग स्क्वेयर रूट ऑफ डेसिमल नंबर ये डेसिमल नंबर है हमने इसका स्क्वेयर रूट फाइंड करना है और स्क्वेयर रूट फाइंड करने के भी हमारे पास टू मेथड्स होते हैं एक बाई डिवीजन मैथड एक बाई प्राइम फैक्ट्राइजेशन मैथड तो इस वीडियो में हम करें बाई प्राइम फैक्ट्राइजेशन मैथड स्क्र रूट फाइंड करें डेसीमल नंबर का तो मैंने बहुत सारी वीडियोज़ बनाई हुई है जिसमें मैंने जो है होल नंबर्स इसमें डेसीमल नंबर्स नहीं हैं इसमें होल नंबर में बहुत सारी वीडियोज उस पर बनाई हुई हैं कि हम लोग होल नंबर्स का कैसे फाइंड करते हैं स्क्वेयर रूट बाई प्राइम फैक्ट्राइजेशन मैथड तो और जो स्क्ोयर रूट फाइंड करना है डेसीमल नंबर का डिवजन मैथड्स है वो उस पर भी बनाई हुई है मिक्स फैक्शन पर मैंने बनाई हुई है तो आप चेक कर सकते हैं अब इसका स्टार्ट करते हैं कि ऐसे स्टार्ट लेंगे हम ऐसे करेंगे कि जो क्वेश्चन हमें गिवन है नंबर जो गिवन है टू पॉइंट टू फाइव वो हम यहाँ पर लिख लेते हैं और क्या करें अब अब ये करते हैं कि डेसिमल नंबर को हम लोग फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं तो डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे होल नंबर ऊपर लिख लेते हैं टू ट्वेंटी फाइव और हम क्या करेंगे डिनोमिनेटर में जहाँ पॉइंट होगा वहाँ वन लिख लेंगे और पॉइंट के बाद जितने डिजिट्स हैं टू डिजिट्स हैं तो उतने ज़ीरो हमारे पास डिनोमिनेटर में आ जाएंगे अगर यहाँ पर एक और डिजिट होता तो यहाँ पर एक और ज़ीरो आ जाना था समझ आया तो इस तरह डेसिमल को हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट हमने कर लिया और अब क्या करेंगे जो है हमने स्क्वेयर रूट फाइंड है ना तो यहाँ पर यह नंबर लिख लेते टू ट्वेंटी फाइव बाई हंड्रेड है और यहाँ पर हम स्क्र रूट ले लेते हैं और उसके बाद यहाँ पर अलग अलग के ऊपर स्क्वायर रूट लिख लेते हैं यहाँ पर लिख दिया समझ आया कि ये जो नंबर है उसको हमने पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया उसका हमने स्क्वायर रूट लेना है तो इस पूरे पे हमने स्क्वायर रूट लिख लिया नेक्स्ट में हमने अलग अलग जो है स्क्वायर रूट लिख दिया अब हमने प्राइम फैक्टर्स फाइंड कर लेने क्योंकि हम स्क्वेयर रूट फाइंड करें बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड तो इसलिए हमने दोनों नंबर के प्राइम फैक्टर्स फाइंड कर लेने जब फाइंड कर लेंगे फिर मैं आपको बताऊंगी कि हमने आगे क्या करना है गुड उसके बाद अब टू टू फाइव है हमारे पास टू ट्वेंटी फाइव तो उसको हम लिखेंगे यहाँ पर पहले उसके हम प्राइम फैक्टर्स फाइंड कर लेते हैं फिर हम हंड्रेड के कर लेंगे तो प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने का हमारे पास मेथड क्या होता है कि हमने लीस्ट नंबर से स्टार्ट करना होता है हम यहाँ पर प्राइम नंबर्स ही ले लेंगे तो टू से स्टार्ट करना होता है हमने हम देखते हैं यहाँ पर हम टू ले सकते हैं कि नहीं ले सकते तो हम यहाँ पर क्या करते हैं नहीं टू ले सकते क्यों नहीं ले सकते डिविज़िबिलिटी रूल ऑफ अगर तो आपको टू पता है डिविजिबिलिटी रूल्स पता है तो उससे आपको डायरेक्ट ही पता चल जाएगा कि नंबर टू से डिवाइड नहीं होगा तो डिविजिबिलिटी रूल ऑफ टू ये होता है हमारे पास किसी नंबर को चेक करना हो टू से डिवाइड होता है कि नहीं होता तो उस नंबर का लास्ट डिजिट चेक कर लें लास्ट डिजिट ज़ीरो हो या टू हो या फोर हो या सिक्स हो या एट हो तो इसका मतलब वो नंबर टू से डिवाइड हो जाएगा तो टू ट्वेंटी फ़ाइव है इसका लास्ट डिजिट जो है हमारे पास फ़ाइव है इनमें से नहीं है तो इसका क्या मतलब है नंबर टू से डिवाइड नहीं होगा तो ये नंबर टू से तो डिवाइड नहीं होगा तो हम यहाँ पर टू नहीं ले सकते ठीक है आपने चेक जो है छोटे नंबर से करना होता है मतलब टू से करना होता है टू से अगर नहीं हो रहा तो फिर थ्री से चेक करना है थ्री से भी नहीं हो रहा फिर फाइव से चेक करना है तो सारे प्राइम नंबर से आपने चेक करना होता है यहाँ पर आने ही सारे प्राइम नंबर है था, क्योंकि हम प्राइम फैक्टर्स फाइंड कर रहे हैं अच्छा टू से नहीं हो रहा तो थ्री से हो जाएगा डिविजिबिलिटी रूल ऑफ थ्री क्या है उसमें ये होता है हमारे पास के उसमें ये होता है कि हमने जो है किसी नंबर को चेक करना है ना कि वो थ्री से डिवाइड होता है कि नहीं होता तो उस नंबर के आप डिजिट्स को प्लस कर दें प्लस करने के बाद अगर तो कोई ऐसा नंबर आ जाता है जो कि थ्री के टेबल में आ रहा हो तो इसका मतलब पूरा नंबर भी थ्री से डिवाइड हो जाएगा तो प्लस करें तो क्या आता है टू में टू प्लस करें फोर फोर में फाइव प्लस करें तो आपके पास तो नाइन आ रहा है तो थ्री के टेबल में नाइन आता है या यस आता है इसका क्या मतलब है पूरा नंबर भी थ्री से डिवाइड हो जाएगा तो डिविजिबिलिटी रूल्स जो है अगर आपको पता हो तो ये बेनिफिट हो जाता है कि आप कैलकुलेशन के बगैर ही जो अपने माइंड में सोच लेते हैं कि ये नंबर डिवाइड होगा कि नहीं होगा डायरेक्टली पता चल जाता है जैसे टू का ये तो मैंने आपको बताया है ना तो अगर आपको पता है तो आप डायरेक्ट दे के बताएंगे कि नहीं ये टू से नहीं हो रहा इसी तरह थ्री से अगर आपको कहा जाए चेक करने के लिए आप फौरन से क्या करेंगे नंबर के डिजिट्स प्लस करेंगे माइंड में और फौरन से बता देंगे कि अगर तो कोई नंबर आ गया जो कि थ्री से डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब नंबर डिवाइड हो जाएगा अदरवाइज नहीं तो हमने प्लस किया नाइन आ गया नंबर थ्री से डिवाइड होता है नाइन तो इसका मतलब पूरा नंबर भी थ्री से डिवाइड हो जाएगा अब के टेबल में डायरेक्टली अगर अगर पता तो पर लिख लें नहीं पता तो डिवाइड करके लिख लें और वो भी नहीं पता तो सबसे ये बता देती हूं कि आपने क्या कर मैथडे ट्वेंटी थ्री के टेबल में ट्वेंटी टू था।, 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 था हमारे पास तो ट्वेंटी टू था अब हमने इसे जब कट करके ट्वेंटी वन बनाया तो उसका वन यहाँ पर शिफ्ट हो गया बन गया फिफ्टीन थ्री के टेबल में फिफ्टीन हमारे पास आ गया फाइव टाइम्स तो हम क्या करेंगे यहाँ पर फाइव लिख लेंगे और अब क्या हो जाएगा सेवेंटी फ़ाइव आ गया फिर अगेन यहाँ पर हम थ्री ले सकते हैं अब आप डायरेक्टली सोचें डिविजिबिलिटी रूल ऑफ थ्री से चेक करें डायरेक्टली तो सेवन और फाइव को आप प्लस करें तो आपको पता है क्या आता है ट्वेल्व आता है तो ट्वेल्व आता है थ्री के टेबल में ट्वेल्व आता है यस आता है इसका मतलब ये नंबर पूरा है सेवेंटी फाइव जो है डिवाइड हो जाएगा थ्री से सही है हम यहाँ पर थ्री ले लेते हैं डायरेक्टली भी पता है ट्वेंटी फाइव टाइम्स नहीं पता तो वही कटिंग करके करना है तो वो कर लें डायरेक्टली पता तो वेल एंड गुड थ्री के टेबल में सेवन नहीं आता सेवन से छोटा सिक्स आता है इसे कट करके सिक्स बना लें और थ्री के टेबल में हमारे पास सिक्स आ गया टू टाइम्स ये सेवन था जब कट करके सिक्स बनाया इसका वन यहाँ पर शिफ्ट हो गया ये बन गया फिफ्टीन और अब हम इसको कर लेंगे सॉल्व थ्री के टेबल में फिफ्टीन आता है फाइव टाइम्स तो डायरेक्टली आपको पता ही था कि ट्वेंटी फाइव टाइम्स आता है ठीक है मैं कटिंग इसलिए बता रही हूँ कि अगर कोई बड़ा नंबर है वो नहीं पता चल रहा तो इस तरह से कटिंग करके आप कर लिया करें सॉल्व अच्छा अब हमने सॉल्व कर लिया थ्री अगेन ले सकते तो नहीं ले सकते आपको डायरेक्टली बी पता है थ्री के टेबल में ट्वेंटी नहीं आता ट्वेंटी फाइव नहीं आता थ्री के टेबल में ट्वेंटी फोर आता है उसके बाद ट्वेंटी सेवन आता है और डिविजिबिलिटी रूल ऑफ थ्री से भी देखें तो फाइव और टू को प्लस करें तो सेवन आता है थ्री के टेबल में सेवन नहीं आता तो पूरा नंबर भी थ्री से डिवाइड नहीं होगा हम थ्री तो नहीं ले सकते फाइव ले सकते हैं तो ऐसा ले सकते हैं डायरेक्टली भी पता है कि फाइव के टेबल में ट्वेंटी फाइव आता है फाइव टाइम्स और डिविजिबिलिटी रूल ऑफ फाइव ये होता है कि किसी नंबर को चेक करना फाइव से डिवाइड होता है कि नहीं उस नंबर का लास्ट डेट चेक कर लें लास्ट डेट जीरो या फाइव हो तो इसका मतलब वो नंबर फाइव से डिवाइड हो जाता है तो ऐसा इस नंबर का लास्ट डेट फाइव है तो ये नंबर फाइव से डिवाइड हो गया

क्यों हो जाएगा क्योंकि इस नंबर का लास्ट डिजिट इनमें से है जीरो है तो ये नंबर टू से डिवाइड हो जाएगा टू के टेबल में टेन आता है फाइव टाइम्स और टू जीरो का ज़ीरो आ गया ये डायरेक्टली भी पता है टू के टेबल में हंड्रेड आता है फिफ्टी टाइम्स फिर जो है अगेन टू ले सकते हैं यहाँ पर तो यस क्योंकि फिफ्टी का लास्ट डिजिट जीरो है इनमें से है तो हम यहाँ पर टू ही ले लेंगे टू के टेबल में फिफ्टी आता है ट्वेंटी फ़ाइव टाइम्स और अगेन आपको पता है कि यहाँ पर ये ट्वेंटी फाइव जो है थ्री से नहीं टू से तो होगा नहीं थ्री से भी नहीं हो रहा अभी यहाँ पर बताया और फ़ाइव से हो जाएगा तो इसलिए हम यहाँ पर फाइव ही ले लेंगे और फाइव वन टाइम फ़ाइव आ जाएगा अब हमने क्या कर लेने यहाँ पर जो है टू ट्वेंटी फाइव के जो प्राइम फैक्टर्स आए हैं क्या आए हैं हमारे पास थ्री मल्टीप्लाई थ्री मल्टीप्लाई फ़ाइव मल्टीप्लाई बाई फाइव हमने जो प्राइम फैक्टर्स हैं उनको क्या कर लेना एज ए प्रोडक्ट लिख देना हो और ये जो हंड्रेड है हमारे पास इसके जो प्राइम फैक्टर्स आए हैं टू मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई फाइव मल्टीप्लाई फ़ाइव तो ये सारे प्राइम फैक्टर्स हंड्रेड के भी हमने यहाँ पर लिख दिए नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या कर लेना है वो मैं बताती हूँ आप बस इसको जो है दोबारा से ऐसे लिख दें और इसमें एक और काम होना है वो मैं अभी बताती मैं नीचे वाले के लिख लूँ हंड्रेड के और फिर हम देखते हैं कि नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होगा अब हमने लिख लिया ये करना है कि स्क्वेयर रूट जो फाइंड कर रहे हैं तो इसलिए आपने ग्रुपिंग कर देनी है टू टू नंबर्स की ये टू नंबर्स की ग्रुपिंग होगी ये टू नंबर्स की ग्रुपिंग होगी इसी तरह इन दोनों की होगी और इन दोनों की होगी अगर क्यूब रूट फाइंड कर रहे हो ना तो उसमें थ्री थ्री नंबर्स की ग्रुपिंग होती है क्योंकि हम क्यूब रूट फाइंड कर रहे होते हैं ये स्क्वेयर रूट है तो इसमें टू टू नंबर्स की होनी होती है और फिर क्या हो जाता है हमारे पास थ्री टू टाइम्स है तो थ्री का हम स्क्र लिख सकते हैं ना यस फाइव टू टाइम्स है तो फाइव का स्क्वायर लिख दो इसी तरह नीचे आ जाओ डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा टू टू टाइम्स है तो टू का स्क्वायर आ जाएगा फाइव टू टाइम्स है तो फाइव का स्क्वायर आ जाएगा फिर क्या हो जाएगा आपके पास ये हो जाएगा कि स्क्वेयर स्क्यर रूट से कैंसिल हो जाता है जब स्क्वेर स्क्यर रूट से कैंसिल हो गया इसका मतलब जो नंबर है नंबर के ऊपर स्क्वायर रूट अब नहीं रहा थ्री आ गया नंबर भी ये भी बाहर आ गया थ्री भी और फाइव भी इसी तरह डिनोमिनेटर में टू भी बाहर आ गया और फाइव भी बाहर आ गया अब इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे थ्री फाइव टाइम्स फिफ्टीन आ गया और डिनोमिनेटर में टू फाइव टाइम्स टेन आ गया और अब हम इसको क्या कर लेंगे फिफ्टीन को टेन से डिवाइड करो तो हमारे पास वन पॉइंट फाइव आता है अगर डायरेक्टली पता है तो ठीक है अदरवाइज़ आप ये भी कटिंग कर सकते हैं कि पहले इस तरह कट कर दें कि हमारे पास जो है फाइव कितने टाइम्स फिफ्टीन होता है थ्री टाइम्स फाइव कितने टाइम्स टेन होता है टू टाइम्स तो थ्री बाई टू आ गया फिर थ्री बाई टू को डिवाइड करवाओ तो वन पॉइंट फ़ाइव आ जाता है तो हमारे पास क्या आ गया वन पॉइंट फ़ाइव आ गया और फिर अब हमने क्या कर लेना वन पॉइंट फाइव आंसर आ गया तो अब आपने जो नंबर आपको गिवन था ना क्या नंबर गिवन था आपको टू पॉइंट टू फाइव तो वो आप यहाँ पर लिखो क्योंकि उसका आपने स्क्वायर रूट फाइंड किया तो आपके पास आंसर वन पॉइंट फाइव आया समझ आया तो यहाँ पर देख लें आपको गिवन था टू पॉइंट टू फाइव तो वो आपने लिख लिया तो एक दफ़ा मैं सारा दोबारा से आपको बता भी देती हूँ और दिखा भी देती हूँ कि टू पॉइंट टू फाइव हमारे पास क्वेश्चन था डेसीमल नंबर था इसका हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना था तो हमने क्या किया उसको पहले यहाँ पर लिखा फिर उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया सॉल्व करने के लिए तो टू टू फाइव ऊपर आ गया और मैंने आपको जैसे बताया कि कैसे पॉइंट को सॉल्व करते हैं उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए जहाँ पॉइंट है वहाँ पर वन लिखी टू डिजिट्स हैं तो टू जीरोज़ जा आ जाएंगे फिर इसके बाद स्क्वेयर रूट फाइंड करना है तो इस पूरे के ऊपर स्क्वेयर रूट फाइंड करें लें और यहाँ पर इसको अलग कर दें यहाँ पर अलग कर दें इसके इक्वल है उसके बाद टू टू फाइव का भी स्क्वायर रूट ले लिया हंड्रेड का भी ले लिया प्राइम फैक्टर जो भी आए थे उसको हॉरिजॉन्टली हमने यहाँ पर लिख दिया फिर जो है ग्रुपिंग कर ली टू, टू टू नंबर्स की हमने स्टेप में फिर टू टू टाइम थ्री टू टाइम्स था थ्री का स्क्वायर आ गया इसी तरह फाइव का स्क्वायर आ गया टू का स्क्वायर आ गया और फाइव का स्क्वायर 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 रूट से सारे कैंसिल हो गए हमने मल्टीप्लाई करवाया चाहे तो डायरेक्ट ही वन पॉइंट फाइव लिख दें या कटिंग करके थ्री बाई टू आ रहा है नेक्स्ट स्टेप में थ्री बाई टू लिखा और डिवाइड करवाएं तो यह आ गया फिर जो नंबर था आपको गिवन वो यहाँ पर लिखे, उसके ऊपर रूट ले, ले, कि उसका रूट लिया तो हमारे पास वन पॉइंट फाइव आ गया तो पहले यहाँ से यहाँ तक आप नोट कर लें और उसके बाद नीचे से देख लें और यहाँ तक आंसर आ गया ये तो होप सो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक्स वीडियो टेक केयर